तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही तड़कता फड़कता वीडियो। अगर आप सच में सीरियस हो कि इंस्टेंट मतलब 1-2-3 महीने में 2-3 हजार डॉलर मतलब 3-2-4 लाख रुपए इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और मिनिमम से मिनिमम गिरी से गिरे हालत में 50 से 1 लाख रुपए आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। जो ट्रिक जो स्ट्रेटजीज मैं देने वाला हूँ आज आपको, स्ट्रेटजीज जो बेसिकली मैं आपको देने वाला हूँ वो 101% आपके लिए वर्क करने वाली है। अगर आप नए ब्लॉगर हो या ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो या आप ब्लॉगर हो, ठीक है, सबके लिए, मतलब अगर ब्लॉगिंग का शब्द आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। और इन अ शॉर्ट टाइम इंस्टेंट मनी, जैसा कि मैंने लिखा है, इंस्टेंट मतलब तुरंत, यस तुरंत आपको बेनिफिट देना स्टार्ट करेगी। कोई भी एडसन वेडसन के लिए आपको वेट नहीं करना है, कोई भी एड नेटवर्क भी नहीं लगाना है, ये ट्रिक को बस फॉलो करना, आपको पक्का पैसा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो क्लास तक जरूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों आपने सही सुना कि इतने पैसे आप अर्निंग कर सकते हो, 2-3-4 हजार डॉलर अगर आप अपना माइंड लगाओगे तो 6 फिगर इनकम मतलब 10-10 के डॉलर के आस, मतलब 6-7 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो इन 3 महीनों में। आने वाले 3 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, आपको बस समझना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो अपना जो फेस्टिवल गया उसमें गया है ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, थैंक्सगिविंग, ठीक है, और एक आध दो त्यौहार था, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें उठाई, ठीक है, और वहां मैंने फाइंड किया कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने टारगेट किया था यूएस को, ठीक है, तो उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो पहली जो सर्च थी लोगों की, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये मिला कि लोग आईफोन एप्पल के प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल हाई टिकट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, हाई टिकट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसे आपकी 4-5 सेल भी निकल जाती है, इस समय निकल सकती है, ठीक है, ये एक समय चल रहा है और मतलब एक टाइम चल रहा है जो एक गोल्डन समय है आपके लिए कि आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हो। अब बहुत लोग घबरा गए कि हम उनको सेलिंग नहीं आती, मैं बताता हूँ आपको सेलिंग कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी करना है, आराम से बताता हूँ, ये बस फॉलो करना और इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल ये फ़ायदा करेगा 101%, मैं दावे के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। सो करना क्या, आपको करना ये है मेरे दोस्त कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है, ठीक है। अब लोग घबरा गए होंगे, ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत मेहनत का काम, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, तो आप एक ब्लॉगर, आप तो कुछ भी उखाड़ सकते हो, ठीक है, ब्लॉगिंग में। मुझे ब्लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो एक मिथ और है यहाँ पर लोगों का आज का, जो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मुझे एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या हम इस इंडस्ट्री में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें एंटर नहीं कर सकते क्या, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैं बता दूंगा मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ ना, पार्ट हूँ ना। तो ये एक मिथ हो गया लोगों का कि क्योंकि ऐसा क्या किया ना, अपना जो इंडिया है इसमें इतने सारे ब्लॉगर हो गए, इतने सारे ब्लॉगर हैं जिसको देखो वो ब्लॉगिंग कर रहा है, जबकि उनका पैशन हो या ना हो, मालूम है गेम क्या चल रहा है, गेम ये चल रहा है कि अपने यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉगर निकल गए, जैसे हर्ष हो गया और भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं यार, अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं, सबका नाम को याद नहीं होता, तो बहुत सारे ब्लॉगर हैं लेकिन, ठीक है, तो उनको लोग कॉपी करने लगे। कॉपी करने क्यों लगे, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी कि सेलिंग वेलिंग क्या होता है, ये सब लोग नहीं जानते थे, ठीक है, तो लोग उनको समझ लगे यहाँ बहुत माल है। अब जहाँ माल है वहाँ लोग हैं, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ, जहाँ माल है पैसा है वहाँ लोग हैं और लोग कॉपी करते हैं लोगों को, तो लोग क्या हुआ, अब इसमें पैसा तो इसमें घुसो 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 घुसो, और इतना बड़ा भेड़चाल है अपने इंडिया में कि उसकी तो बात ही मत करो, बहुत ज़्यादा भेड़ चाल, मतलब है इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लोग जाने लगे, घुसने लगे ब्लॉगिंग का करियर, मतलब वो जो इंजीनियरिंग का करियर जो चल रहा है ना वहाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग में वो ब्लॉगिंग का करियर चल रहा है, तो ब्लॉगिंग में सारे लोग एंटर हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको लग रहा है कि ब्लॉगिंग अगर नहीं कर सकते तो आप इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है, और ब्लॉगिंग से सारी चीज़ें नहीं होती, मैं बता दूँ। हाँ ब्लॉगिंग हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, ब्लॉग और वेबसाइट अलग चीज़ है, ये भी चीज़ है, लोगों का मिथ है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर देख सकते हो, ब्लॉग और वेबसाइट अलग अलग दो चीज़ें, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने,
तो ब्लॉग और वेबसाइट अलग अलग चीज़ होती है, और आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, ब्लॉग होना जरूरी नहीं है। और क्यों होनी चाहिए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ब्लॉगिंग का ये है कि जरूरी नहीं है आपको ब्लॉगिंग करना, ठीक है, ये बस एक मिथ है और लोग कॉपी कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहा है, मान लो पैसे दे के आ रहे हैं कि ब्लॉगिंग में पैसा आप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ ट्रेंड लेके आओ ना और उसमें एक्सपर्ट बनो, ठीक है। अगर आप एक ब्रांडिंग मैन हो, मुझे बेसिकली ब्रांडिंग पसंद है, ठीक है, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, ठीक है, मुझे राइट लिखना पसंद नहीं है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वैसे ही जो आपको पसंद है आप उसमें एक एक्सपर्ट बनो, ठीक है। जरूरी नहीं है ब्लॉगिंग यार, ब्लॉगिंग से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग पे डिपेंड करते थे, ठीक है, उनको फनल वनल के बारे में पता ही नहीं है क्या होता है फनल, नहीं पता उनको, तो वो ब्लॉगिंग से सेल करें, जबकि वो फनल्स का यूज करके, फनल्स को सेट करके अपने ब्लॉगिंग पे ही, मैं बोल रहा हूँ, वो सेट करके काफी अच्छा अपना सेल कर सकते हैं, लेकिन वो अटके हुए हैं ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डाल दिया गया माइंडसेट, अगर हम इंटरनेट पे आते हैं तो हम ब्लॉगिंग से ही पैसा अर्न कर सकते हैं, ये माइंडसेट उन्हें दे दिया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम है और लोग इसको दोहराते रहते हैं। मैं देखता हूँ आज भी कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, अगर इंटरनेट से आपको अर्निंग करनी है तो आपको ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, लाभ लाभ लाभ, ये बहुत सारे मिथ हैं जो मैं किसी और वीडियो में दूर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो स्ट्रेटेजी ये है मेरी कि यहाँ आपको कोई भी माइक्रो ब्लॉग व्लॉग नहीं तैयार करना है, ठीक है, और ना ही आपको डेली का ब्लॉग लिखना है, ठीक है। आपको करना क्या, आपको करना यह है कि आपको कोई डोमेन खरीद लेना अच्छा सा, ठीक है। आपको बेसिकली डोमेन खरीदना है फेस्टिव डोमेन, ठीक है, जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, अपना वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मतलब ये सब जो इवेंट्स हैं यहाँ बहुत सारे चीज़ें बिकती हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप खरीद सकते हो तो 99 रुपीज़ का एक डोमेन मिलता है, उसको खरीद लो, ठीक है, और उसको सेट कर लो, ठीक है। अब कहीं भी सेट कर लो, आपकी मर्जी, जहाँ सेट करना है वहाँ सेट कर लो, आप ब्लॉगर पे ही सेट करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अपने वो काम नहीं है, ठीक है, नहीं तो होस्टिंग होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो आप ब्लॉगर पे भी सेट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ सेट करते हो, या आप ब्लॉगर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग नाम से बना के अपना वेब अपना ब्लॉग, ठीक है। तो इसमें आपको करना है हाई प्रोडक्ट्स को पहले चूज, जो जो यहाँ क्रिसमस पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे थे जिनको सेलिंग नहीं आती, तो मैं बता दूँ आप इस सब प्रोडक्ट को चूज कर लो और इनका पूरा एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, ऐसा ऐसा कहा गया, दिखाऊंगा नहीं मैं, बस बता रहा हूँ कि मेरे पास भी ऐसा कुछ लिस्ट है, ठीक है। तो ऐसा एक लिस्ट बना लो और वहाँ वहाँ पर क्या करो, अपना एक ब्लॉग तैयार करो, अलग अलग ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉगिंग नहीं करनी आप पहले दिन, कोई एडसन वेडसन की जरूरत नहीं है, अपने को यहाँ एड वैड नहीं लगाना है, ठीक है। आप ऐसा पूरा अपना लिस्ट बना लो कि ये चीज़ें आपको यहाँ सेल करनी है। अब उनके बारे में इन्फोग्राफिक तैयार करो। इन्फोग्राफिक अगर आपको नहीं पता क्या होता, तो इसके पिछले वाली एक वीडियो जिसमें मैंने बताया 3,000 रुपये आप फेसबुक से डेली की अर्निंग कैसे कर सकते हो, उसका थंबनेल देख लेना और उस वीडियो में जाकर देखना कि इन्फोग्राफिक किसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा बताया मैंने इन्फोग्राफिक के बारे में, एग्जाम्पल भी है तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इन्फोग्राफिक क्या है वो समझ जाना, और इन्फोग्राफिक के चार्ट्स तैयार करना जिससे लोगों को तुरंत दिमाग में आता है कि ये क्या चीज़ के बारे में आप बता रहे हो और किससे इससे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको छोटे 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 ब्लॉग तैयार करने हैं, माइक्रो ब्लॉग आप इसको बोल सकते हो। तो माइक्रो ब्लॉग, ट्रेंडिंग माइक्रो ब्लॉग अगर हम इसका नाम लें तो गलत नहीं है, तो ट्रेंडिंग माइक्रो ब्लॉग्स आपको तैयार करने हैं। और अगर आपने 5 प्रोडक्ट तैयार किए तो पांचों के अलग अलग, ठीक है, पांचों के अलग अलग, बेसिकली यहाँ आपकी क्रिएटिविटी काम आने वाली है, जितने आप क्रिएटिव होंगे उतना ज़्यादा आपका सेलिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपके प्रोडक्ट चूज कर लेना है और इनके ब्लॉग्स बना लेने, इन्फोग्राफिक, और हो सके तो वीडियो का यूज़ करना। वीडियो के लिए भी मैंने एक वीडियो दे दी है पहले ही, कैसे आपको वीडियो क्रिएट करना है, उसके लिए भी एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि फेसबुक से आप कैसे डेली अर्निंग कर सकते हो, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। दोनों वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। तो दूसरा स्टेप यही है कि आपको क्या बोलते हैं, ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद अब उसकी मार्केटिंग करनी है दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो पहला आपका वो कंप्लीट हो गया, ब्लॉग वर्क तैयार कर लिया आपने, क्रिएट कर लिया आपने, प्रोडक्ट्स को चूज कर लिया और पूरा उसका क्रिएटिविटी अपना दिखा दिया ब्लॉग में। अब जो तीसरा स्टेज आपको मैं बता रहा हूँ वो यही है कि आपको जाना है फेसबुक में, और फेसबुक में जाके आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को फाइंड करना है, सॉरी ग्रुप्स को फाइंड करना है, लोगों को ग्रुप्स को फाइंड करना है, सीधा ग्रुप पे हमला बोल रहे हैं,
ग्रुप्स को फाइंड करना है और उन ग्रुप्स में फिर लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्रुप में एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं फेसबुक के, फेसबुक के ग्रुप में एंगेजमेंट बढ़ाने से पहले जितने भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो या जितने भी ग्रुप में आप पोस्ट करने वाले हो, वहाँ के कम से कम 4, 5, 6, 7 पोस्ट को लाइक करके थोड़े मोड़े कमेंट छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्रिएटिविटी थी ना, जो आपके ब्लॉग में आपने की थी, वो चीज़ वहाँ दिखेगी, ठीक है। और वहाँ आपको एक अच्छा सा कंटेंट लिखना है, थोड़ा सा 4-5 लाइन का, उससे ज़्यादा नहीं, 4 लाइन, लोग बकवास नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 4-5 लाइन का बस एक छोटा सा कंटेंट डालना है और वो क्रिएटिविटी वाला ब्लॉग नीचे लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग आपके ब्लॉग पे जाएंगे और जब आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे, जब आपका सेलिंग एफर्ट देखेंगे, तो इस समय ज़्यादातर चांस है कि आपकी चीज़ें बिकेंगी, क्योंकि क्रिसमस में लोग दम मार के खरीदते हैं और बाहर के लोग लुटाते हैं पैसा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं अभी सर्च कर रहा था ब्लैक फ्राइडे में सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ, तो उसमें मैंने देखा आईफोन एप्पल सबसे ज़्यादा, इतने ज़्यादा सर्च किए गए हैं इंटरनेट पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, बहुत सारी चीज़ें सर्च करने की, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। वहाँ आप देखोगे USA में बहुत सारे लोगों ने एप्पल पे सर्च किया कि उस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ब्लॉग में अपनी चीज़ को दिखा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स और अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना, ये सब आपको ज़्यादा पैसे देगा और हो सकता है रेकरिंग इनकम देगा। डोमेन वोमेन भी बेच सकते हो, इनके बारे में भी अच्छे से लिखो। एक नई चीज़, एक नई क्रिएटिविटी लेके आओ, जब ये नई क्रिएटिविटी से आप लोगों को ब्लॉग में शो करोगे तो काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। और टारगेट मार्केटिंग करना, जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप को पिच करना, ग्रुप को पकड़ना, ग्रुप का अप्रोच करना, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। कोई भी ब्लॉगर ब्लॉगर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी ब्लॉगिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है आपकी क्रिएटिविटी की, टैंपलेट्स फ्री में मिल जाते हैं लिखना, ब्लॉगर टैंपलेट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे टैंपलेट्स मिल जाते हैं, उनको टैंपलेट को यूज़ करना और प्लीज़ इस मेथड को अप्लाई ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है, एक ब्लॉग बनाना है, उसमें क्रिएटिविटी डालनी है, फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे ग्रुप फाइंड करना है जिन लोगों को आप सेल करना चाहते हो। अगर आप US के लोगों को सेल करना चाहते हो तो US के बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो अपना 14 फरवरी का, तो आप फाइंड कर सकते हो बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो आपको मिल जाएंगे, डेटिंग ग्रुप, ठीक है, उनको फाइंड कर सकते हो। वहाँ आप जाके अभी से हमला बोल सकते हो, अभी से अपने ट्राफिक ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बोलूँगा वो आप क्रिसमस को ध्यान में रखो और क्रिसमस पे हमला बोलो। पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है इस समय, ठीक है, पूरी दुनिया, और सबसे ज़्यादा सेलिंग आपको मिलेगी बाहर। तो मेरी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो और आज से ही काम करना स्टार्ट करो। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्निंग करने का चांस है इस बार गाइज, श्योर गाइज, श्योर। मैंने करके बताया पिछले वीडियोस में कैसे इन्फोग्राफिक्स काम करता है और कैसे आप फेसबुक पे कर सकते हो, तो आप इस मेथड को जाके यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर मैंने जो पिछला आपको बताया वो दोनों को ऐड कर देते हो गाइज, You are going to killing, man. और गाइज हमेशा की तरह आज भी मैं बोल दूँ, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये वैल्यू जो मैंने आपको दी है ये बिल्कुल बेकार है। मेरा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया, और ऐसे ही वीडियो देखते रह जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो प्लीज़ टेक एक्शन। कोई भी बड़ा ब्लॉगर शो, कोई भी शो कॉल्ड गुरु आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चीज़ें ईजी हैं, बिल्कुल चीज़ें सिंपल हैं, बस अपना दिमाग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है और काम करना है। गाइज जो मैं स्ट्रेटेजी जो चीज़ें बताई आपको, जो सिंपल ट्रिक बोल सकता हूँ, सिंपल ट्रिक जो मैंने आपको बताया, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं कि आप कैसे उसको क्रिएटिव बना के कैसे उस पर मार्केटिंग कर सकते हो। तो प्लीज़ गो एंड टेक एक्शन, दिस इज अ टाइम टू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ecom, फ्रॉम affiliate एंड whatever, क्योंकि इस समय ही एक ऐसा समय है जहाँ मार्केट बहुत बूम पे जाती है। और ये जो क्रिप्टो विप्टो है उनका सपना भी छोड़ दो, क्रिप्टो विप्टो अभी कोई काम नहीं आने वाली, क्रिप्टो की लग गई है अभी थोड़े समय के लिए, ठीक है। इसके पहले शायद मैंने एक वीडियो दी है जो आप देख सकते हो, क्रिप्टो के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है उस समय। तो जाओ और अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, blogger.com को यूज़ करो, WordPress यूज़ करो, जो यूज़ करना है वो यूज़ करो। मेरा कहना है कि अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हो तो ब्लॉगर पर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ट्राफिक वाफिक लाना।
ब्लॉगर पे नहीं, हर जगह मेरे हिसाब से मैं ऑर्गेनिक ज़्यादा मतलब भाव देता हूँ ऑर्गेनिक को। तो ऑर्गेनिक आप कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी वीडियोज आपके मोबाइल पर मिलते रहे और आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सको। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।